अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम और शुक्र के साथ हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉर दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड ब्लॉगिंग विद पाकिस्तानी मॉम। सो गाइज, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग, अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा, ये मेरी शौकियाँ थी, इसे इग्नोर कीजिएगा। सो चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताती चलो आज हमने क्या बनाया। आज हमने बनाए हैं मसर डंडन। तो खाना खुना खा लिया हुआ है, तो बर्तन धोने वाले हैं, बर्तन धोती हूँ। ठीक है, मसरों वाला ये से क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर भी फ्री करती हूँ, उसे भी धोती हूँ। और फिर आज हमें करने हैं जी, इस मैडम को धोना है, इसकी उसकी आज चम्पी चम्पी करनी है, मतलब आज फ्रिज धोनी है। अच्छा, जैसे ना शादी वाले घर में लास्ट डे क्या शादी के दिन तक काम नहीं ना ख़त्म होते, बाजार के चक्कर नहीं ख़त्म होते, इसी तरह ईद आने तक ना घर के काम नहीं ख़त्म होते। सो या अच्छा जी, तो अब वो देखिए मैंने ना स्विच ऑफ कर दिया हुआ है, वो निकाल ही दिया कि बर्फ़ पिघल जाए। और अच्छा जी, तो बर्तन शर्तन मैंने धो लिए हुए हैं। तो यहाँ पे जी बस ऊपर की ऊपर वाली हिस्से की ना चीज़ें निकाल के भाभी धो रही है। तो मुझे ना अभी ये ओवन साफ़ करने वाला था, ठीक है, और ये बाकी चीज़ें जो देख रहे हैं आप, इर्दगिर्द वो नमक दानिया चूल्हा वगैरह सब क्लीन करना है। उसके बाद मैं फ्रिज की तरफ से आऊँगी। तो अब जी मैंने वहाँ से क्लीन कर लिया सारी चीज़ें, अब मैं आ चुकी हूँ फ्रिज की तरफ। तो देखें कैसे चमक रही हैं चीज़ें। तो अभी मुझे सारी चीज़ें निकालनी है, ये कुछ बकेट्स में रख दूँगी, ठीक है, निकाल निकाल के। तो ये देखें जी, मैंने सारा कुछ निकाल दिया हुआ है, नीचे से भी ऊपर से भी, और यहाँ पे रख दिया है और कुछ वहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं बीच वाले जो चीज़ें रखती हूँ सारी भाभी धो रही हैं, उससे जो मैं धोंगी फ्रिज। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना अभी कुछ बर्फ़ थी ऊपर जो अभी तक नहीं थी मेल्ट हुई, तो उसे अभी मैं कर रही हूँ मेल्ट पानी के ज़रिए। तो जैसे मेल्ट हो जाती है तो फिर अच्छा जी, तो मेल्ट हो चुकी है, अब मैं धोती हूँ फ्रिज, धो के फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये गुड़िया भी आ चुकी है यहाँ पे, तो फ्रिज की ये जो बाकी चीज़ें हैं ना यहाँ पे धुल चुकी हैं, तो ऊपर फैन चल रहा है, खुश हो जाएंगी। और ये जो हमारी फ्रिज है ये भी देख रहे हैं मैंने धो दिया, अब इसे करते हैं फिल। तो ये देखें जी, सारी चीज़ें लगा दी हैं हमने दोबारा जल्दी जल्दी करके। तो अब बंद कर देते हैं फ्रिज, तो ये नीचे वाली भी फ्रिज बंद कर देते हैं। अब कुछ पानी की बोतलें भर के रखने वाली हैं वो लगा लेते हैं। उसके बाद जी जो बाकी का काम है वो कर लिया था मैंने, फिर लाइट चले गई थी, उसके बाद नमाज अदा की, तो फिर काम के लिए एक चले गया। तो काम के बाद से वापस आए, पे गुड़िया रेडी है। तो आप सोचो हम कहाँ जा रहे हैं, मेरी बड़ी सिस्टर की आई है नंद बाहर से, उनसे मिलना है, ठीक है। आई थिंक उन्हें 10 से 15 दिन हो गए आई हुई को, तो आज जाते हैं कल जाते हैं, बस इस दिन लगे रहे थे। तो आज फिर फाइनली उनसे मिल के आना, उन्हें दावत का कह के आना है, ठीक है, क्या आइएगा। तो यहाँ पे गुड़िया रेडी हुई है, तो सबका इंतज़ार कर रही हूँ, अपने प्राम में बैठ चुकी हुई है, आप देख सकते हैं, प्लीज़ माशाल्लाह कह दीजिएगा इसे। तो बस जी अब सब आ जाएंगे तो फिर हम चलेंगे जी। तो यहाँ पे इसे ना वहाँ पे मक्खियाँ तंग कर रही थी, जो मैंने पंखे के नीचे से ले आई हूँ। तो यहाँ इसमें ना ये गुड़िया का बैग है, जिसमें इसके कपड़े वगैरह, डायपर वगैरह, दूध वगैरह। तो ऑफकोर्स छोटा बच्चा हो, आपने जब बाहर जाना हो तो ये मस्ट है, उसके 2-3 सूट्स लाजमी साथ होने चाहिए, उसका 2-3 डायपर साथ होने चाहिए और बाकी ज़रूरत का सामान। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे हम निकलने लगे हैं बाहर। तो ये बाहर निकलने लगे हैं तो मुझे आवाज़ आई है अंदर से कि पहले पापा का जाने का नहीं था रहा था, अब वो आ जाएंगे लेकिन ना लेट आएँगे। तो उनकी चीज़ें मैंने यहाँ पर निकाल दी, जूता भी और कपड़े में नाला भी डाल दिया है। मामा जाने अभी लाइट्स बंद करते हैं और चलते हैं भाग के। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि अब अच्छा घर से तो मैं निकल चुकी हूँ, सीन कुछ ये हैं कि ना हमारा ख़राब हुआ हुआ फ़िल्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फ़िल्टर पहले एक अंकल से ठीक करवाने लाए थे, उनसे नहीं हुआ, अब दूसरे को बुलाया जो मतलब फ़िल्टर ही ठीक करते हैं। सो या तो होप सो जब हो जाएगा फिर पापा आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपकी की तरफ पहुँच चुके हैं, तो फिर अब अंदर जाते हैं, ठीक है। तो क्या अंदर ये देखें जिस गुड़िया कितनी एक्साइटेड है कि बस जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोल दे, तो मैंने बेल दी है। तो ये जी आप ही घर आ गए हैं, यहाँ पे रामीन की कज़न खा रही थी न्यूटेला, तो समझे ऑफर मांग रही, मैं खाने लग गई। तो नेशनल के जार में से रखी हुई थी ना कि थोड़ी थोड़ी खाए, भरी न्यूटेला के जार से निकाल के। अच्छी जी, तो हमें 9:30 हो गए, हम घर आ गए हैं। वहाँ पर फिर इतनी देर बाद मिले थे गप्पे शप्पे सारे, माशाल्लाह बैठ के लगाने लगे, फिर वो नहीं कंटिन्यू कर पाई। अच्छा जी, तो वो फ़िल्टर को फिर बीमारी हो चुकी है, अल्लाह जाने से क्या बीमारी हुई है, नहीं ठीक हो, ठीक हो गया लेकिन अब नहीं हुआ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं चावल बना रही, चावल बना रही पापा जान के लिए, पापा जाने चावल खाने हैं। तो हमें यह था कि पापा ने गलती से ज़्यादा भिगो दी, फिर याद आए कि सुबह हज है, माशाल्लाह से हज का रोज़ा रखना है, तो मसल भी गर्म हो चुके हैं। यहाँ पे मैं जी अपने रोज़े की तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं खजूरों का शेक पीती हूँ, उससे होता है कि मुझे इतनी प्यास नहीं लगती।
जब भी मैंने अजवा खजूर अच्छे तरीके से ना धोली थी, मैं बताती हूँ सेल्फ बिल्कुल साफ़ थी, मैं साफ़ करके रखी थी। तो अब मैं इसमें डालती हूँ दूध जी, गरम गरम दूध डालूँगी ताकि वो अच्छे तरीके से खजूरों को मेल्ट कर दे, और जब मैं इसे ग्राइंड करूँगी तो वाह वाह हो जाएगी, बल्ले बल्ले जी मज़ा आ जाएगा। ये देखिए जी मैंने डाल दिया है इसमें दूध, और यहाँ पर थोड़ा सा और डाल देती हूँ, फिर थोड़ा सा और करते करते मैं भर ही दूँगी ये पूरा, ठीक है। तो ये भला एक दफ़ा ही मैं भर लेती। एनी हाउ अब इसे हम रख के रख देंगे, और चल भी गंदी हो चुकी है जो कि आप देख रहे हैं। तो इसी तरह मुझे ख्याल आना है पीछे कि मैंने चावल भी रखे हुए हैं, भागूंगी चावलों की तरफ ही तो चेक कर लूँगी। तो आज बैड लक ये हुआ कि चावल थोड़े कच्चे रह गए थे, बट फिर मम्मा ठीक कर दी। अच्छा जी, तो हमें शेल्फ मैंने साफ़ कर दी हुई है। तो इसके बाद बाकी का काम ये है कि गुड़िया रो रही है, उसको देने हैं ग्रेप्स ताकि उठाने लग जाए। उसकी कच्ची नींद उठा के वहाँ से ले आए हैं, बहुत सारा दिन नींद छुटी, वहाँ पर थोड़ी देर सोई थी, तो फिर जब आने लगे उससे मैंने उठाया, गोद में तो उठ गई, तो अब वो ज़रा चिड़चिड़ी हुई हुई है। तो या उससे मैंने कहा ग्रेप्स देख के उसे ध्यान लगाती हूँ, तो वो खुशी खुशी फ्रूट माशाल्लाह बहुत चौक से खा लेती है। अच्छा जितने यहाँ पर मैं गुड़िया को देने जा रही हूँ ग्रेप्स। तो बस आज बहुत थकावट भी होगी, फ्रिज भी धोई है, ठीक है, फिर आप इधर भी गए थे, तो अब नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करने का दिल नहीं है। तो कल मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, आज के लिए इतना ही जी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।